देश में 21 दिनों के लॉकडाउन में रोज कमाकर खाने वाले लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। समस्या से परेशान प्रवासी मजदूरों ने अपने घरों का रुख करना जरूरी समझा, क्योंकि तमाम यातायात सुविधाएं लॉकडाउन के कारण बंद हैं। लोगों ने पैदल ही हजारों किलोमीटर अपने गांव के लिए चलना शुरू कर दिया। इस प्रकार की परेशानी बढ़ती देख कुछ राज्य सरकारों ने इनके लिए बसों की सुविधा उपलब्ध तो करवाई, फिर भी इनकी मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही। लॉकडाउन के चलते सभी राज्यों ने अपनी अपनी सीमाएं बंद कर दी हैं। वहीं कुछ जगहों पर स्थानीय लोग सीमा पर ही प्रवासी मजदूरों का इंतजार कर रहे हैं। दरअसल इंतजार इसलिए कर रहे हैं ताकि ये लोग इन्हें उनके राज्य में आने से रोक सकें, और ये लोग नहीं चाहते कि अगर प्रवासी मजदूरों में कोई संक्रमण हो तो वह उसका शिकार हो जाएं। वहीं किसी तरह अपने राज्य को लौट रहे लोगों के लिए वहां की राज्य सरकार ने इन्हें आइसोलेशन में रखने का फैसला लिया है। बिहार में इन प्रवासी मजदूरों के साथ और भी बुरा हाल होते हुए देखा जा सकता है। NDTV की एक रिपोर्ट के मुताबिक लॉकडाउन के बाद देश के अलग अलग हिस्सों से बिहार पहुंचने वाले मजदूरों के साथ काफी बुरा बर्ताव हो रहा है। जैसा कि हमने पहले बताया कि राज्य सरकारों ने राज्य में आ रहे प्रवासी मजदूरों को आइसोलेट करने का फैसला लिया है। इसी आइसोलेशन से जुड़ी बिहार की सीवान की एक घटना सामने आई है, जिसमें लोगों को काफी परेशानियों का सामना करते हुए देखा जा सकता है। दरअसल सीवान में करीब 1000 मजदूरों को बिहार वापस आने पर एक विद्यालय में कैद कर दिया गया। मजदूर प्रशासन के सामने रोते रहे और गिड़गिड़ाते रहे, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं था। मजदूरों को RBT विद्यालय में घंटों तक बंद रखा गया। रविवार शाम इन्हें वहां से निकाला गया और कुछ को बसों में बैठाकर तो कुछ को ट्रक में ठूंसकर अलग अलग जगहों के लिए रवाना कर दिया गया। हैरान करने वाली बात यह है कि महामारी से बचने के लिए जहां एक तरफ एक दूसरे से दूरी बनाकर रखने की सलाह दी जा रही है, वहीं दूसरी ओर इन लोगों को कथित रूप से ट्रक में ठूस कर बिठाया गया। मालूम हो कि लॉकडाउन के बाद इनका काम धंधा सब बंद हो चुका है, जिसके बाद इनके पास पेट चलाने के लिए कोई साधन नहीं दिख रहा। मुख्य रूप से दिहाड़ी मजदूरों को ऐसी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हमारा बस यही कहना है कि अगर सरकार इन लोगों के आइसोलेशन की व्यवस्था करती भी है तो ध्यान दिया जाए कि इन्हें कोई परेशानी ना हो। नमस्कार, नेशनल दस्तक अपनी आर्थिक जरूरतों के लिए हमेशा से यूट्यूब एड्स पर निर्भर रहा है। हमारी काफी वीडियोस को यूट्यूब की तरफ से डीमोनेटाइज कर दिया जाता है, जिसके चलते हमें एड्स नहीं मिल पाती। इसकी वजह से हमें आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हमें आपके साथ की सबसे ज्यादा जरूरत अब है। पैट्रियन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर हम और आप बिना रुकावट जुड़ सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म पर आप हमें सीधा फंड कर सकते हैं, जिसका मतलब हुआ कि हम आजादी से पत्रकारिता कर पाएंगे। आपसे सीधे फंडिंग पाने का यह भी मतलब हुआ कि हम नैतिक रूप से आपके अधीन हो जाएंगे और आपकी आवाज को और बुलंद कर पाएंगे। आप पैट्रियन पर मात्र $2 करीब 140 रुपए प्रति माह से हमारी सहायता कर सकते हैं। पैट्रियन क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड दोनों ही सपोर्ट करता है। हाँ, जरूर यह है कि पैट्रियन के लिए आपके कार्ड पर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन अलाउड होने चाहिए। अगर आपके कार्ड पर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन चालू नहीं है तो आप अपने बैंक से संपर्क करके इसको आसानी से चालू करवा सकते हैं। पैट्रियन पेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सके। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।